दोस्तों नमस्कार, यू स्वस्थ प्राचल में आपका स्वागत है। जय हिंद जय भारत। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सेशन लाया हूँ, जिस तरीके आपने देखा होगा और पिछली क्लास आपने देखा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हम एक एक पार्ट को तोड़ तोड़ कर और हर प्रकार की मतलब हर प्रकार की चीज़ें आपको देने के प्रयास किया हूँ और दिया भी हूँ। आप देखे होंगे कि हम कहीं भी किसी मतलब किसी टाइप के क्वेश्चन को छोड़ते नहीं, जिस टाइप क्वेश्चन पूछे हैं और पूछने की संभावना है ये भी हमें देता हूँ, क्योंकि देखते हैं कि आपके जो है सिलेबस से जो चीज़ें जो है टच है उसी को देते हैं और बेसिक चीज़ें बताते हैं आपको। पहली क्लास में बेसिक चीज़ें बताते हैं, इसके बाद आपको ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक की है एक क्लास सारी ट्रिक के माध्यम से, लेकिन हम आपको पहले ही एक दो क्लास समझने के लिए हम आपको जो है बेसिक चीज़ें बताते हैं, जो इससे परिचय कराते हैं कि है क्या, किस तरीके करना है, किस तरीके नहीं करना है। इसके बाद हम लास्ट में जो है आपको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं, क्योंकि आप ट्रिक हम आपको इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आप बेसिक तौर से करके यस माना ऐसा है वैसा करके जो है आपका टाइम वेस्ट जाएगा, और जिनको मैथ नहीं आती इनके लिए तो हवा ही लगेगा नहीं। इसीलिए हम जो है बहुत ही बेहतरीन सेशन आपके लिए लाया हूँ। और लाभ हानि तो हमारे जीवन काल में बहुत ही महत्व चीज़ होता है, क्योंकि लाभ और हानि हमको बहुत ज़रूरी है कि पहचाना, लाभ कहाँ पे है, हमारा हानि कहाँ है। जैसे किसी की मामले में या पढ़ाई के या किसी क्षेत्र में हमारा ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हमारी, और हम इस चीज़ को जो है उपयोग करते हैं, हर पल उपयोग करते हैं, हर वक्त देखते हैं, हर चीज़ में, हर व्यक्ति में या हर एक एक कण में, समझ लीजिए ऐसी चीज़ है। अभी हम इसके पहले परसेंटेज पढ़ाए थे, इसके पहले एवरेज पढ़ाए थे, सारा जितने चैप्टर हैं सब एक दूसरे से अटैच है और इस तरीके हम पढ़ाते चल रहे हैं, परसेंटेज से ये भी मिलता जुलता है। इसलिए हम इसके पहले जो है आपको ये पढ़ा दे, लाभ हानि पढ़ा दे रहे हैं। हमने सोचा था कि आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ये सब पढ़ाएंगे, इसके बाद लाभ हानि, लेकिन हमें लगा कि आपको जो है लाभ हानि पढ़ाने के बाद, क्योंकि ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो आप जो है ब्याज अच्छी तरह से चीज़ें पढ़ लेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप स्कोर करेंगे, इसलिए हम इस तरीके ले आए हैं। और जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और क्लास कमेंट बताइए क्लास कैसी लगी और किस तरीके जो है आप पढ़ रहे हैं, कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस तरीके बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम का ग्रुप बना है, इस पर जाके आप ज्वाइन हो जाइएगा, जितने भी लोग देखने वाले हैं। और आपने आप देखिए, हम ये चीज़ें तो आल एग्ज़ाम के लिए हैं, परसेंटेज एवरेज हो के आल एग्ज़ाम के लिए है, बेहतर है, LCM हो के सारी चीज़ें जो है आल एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन हम अपना स्तर जो है एग्ज़ाम्स देखते हुए जो है कि हम जीरो लेवल से आपको एक एक पार्ट को बताते हैं और हीरो लेवल तक जाते हैं। लेके हीरो लेवल कहने के मतलब जो लेवल का मतलब पेपर बनाने के लिए इससे एक दो पॉइंट बढ़ा के लाते हैं, क्योंकि लास्ट तक जब तक हमारी सेशन किसी चैप्टर की सेशन लास्ट तक चलती रहती है, उस लास्ट तक जो है एक दो क्वेश्चन इस तरीके हम आपको बताते हैं कि कंसेप्ट कहीं से छूटने ना पाए, हो सके लेवल उठा दे, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा दिन पर दिन जितने भी भर्ती लेट होगी आप जान रहे हैं इसके जो है कि कंपटीशन बढ़ता चला जाता है। इसीलिए सारी चीज़ें अभी परसों नरसों एक इसके पहले परसों वाली क्लास में आपको हम बताए थे कि किस तरीके क्रैक करना है, कितने नंबर लाना है, किस तरह कितने नंबर पे आपका होगा, कितने रिजल्ट कितने परसेंट रिजल्ट पर लाने पे होना होगा। और अब तो आप इतना जान लीजिए कि अगर भर्ती आएगी, भर्ती तो आएगी, मैंने बताया है कि इसमें इस वीडियो में बताया है कि भर्ती तो आना है ही है, लेकिन लेट लगेगा, समय लगेगा, आप इसके लिए आप तैयार होइए, एक बार अपने सिलेबस को कवर कीजिए। और मैथ ऐसा चीज़ है कि हर वक्त आपका जो है स्कोरिंग पावर रहता है, क्योंकि मैथ सबको आती नहीं है और जिनको आती है सिलेक्शन हो जाता है, इतना जानिए, आप स्कोर पावर में रहोगे आप सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए हम सारी बातें यहीं स्टॉप करते हैं और अपने लेसन की तरफ चल रहे हैं, किस तरीके आपको पढ़ाना है चैप्टर को, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस को हम पढ़ाएंगे। और इतना ध्यान दीजिएगा कि आप जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उससे उत्साह बढ़ता है, उत्साह बढ़ेगा तभी पढ़ने पढ़ाने में मज़ा आएगा और हम और बेहतर से बेहतर लाएंगे आपके लिए। और सभी लोग लाइक कीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं सब लाइक कीजिएगा और साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्लास सर कैसे कैसी लगी, और जहाँ भी नहीं समझ में आ रहा था आप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में जाके हमारे पास मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में कर सकते हैं, और नहीं अगर समझ में आ रहा तो आप पर्सनल मैसेज करके कि तो कमेंट बॉक्स में बताइए सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको ला कर समझाऊँगा, नहीं तो अगर आप हमारे टेलीग्राम पर आ रहे हैं मैं सॉल्व इसको भेज दूंगा आपको।
अब इस तरीके देख रहे हैं, पहली क्लास है लाभ हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की, पहली क्लास है। और पहली क्लास में आप आपको बताया जाएगा क्या चीज़ किस पे होती है, कितना किस में होती है। और आप बचपन से पढ़े होंगे कि मतलब सूत्र पढ़े होंगे कि ऐसा है वैसा है, सूत्र आपको कम मिलेगा। ये चीज़ें आप अगर बेसिक समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन के करते हुए आप क्वेश्चन को करते हुए आप क्वेश्चन को पढ़ते हुए क्वेश्चन में ही कर देंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको पहले समझना है कि है क्या चीज़ें। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, लाभ हमारा कहाँ हो रहा, हानि कहाँ हो रहा। आप जानते हैं जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। क्रय मूल, कास्ट प्राइस, क्रय मूल और विक्रय मूल, कितने में हम लेकर आए, कितने में बेचे और कितने में जो है आजकल ट्रेंड चल रहा है। पहले तो जो है बोनस चलता था, या बोनस मतलब कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि दीपावली होली में जो है, या किसी बड़े त्यौहार में जो है, ईद हो गए, सारी चीज़ें हो गए, इसमें जो है छूट मिलता है। तो आजकल तो आप देखेंगे मॉल में और कहीं भी हर दुकान में जो है थोड़ा सा कि हमें छूट मिलता है, मतलब बेचने का तरीका इंडिया में है, चीज़ें हैं आप जहाँ छूट मिलेगा। हमारा जो है जो मेन, अगर हम किसी वस्तु को जो है अगर 1000 को बेच रहे हैं, 1000 की वस्तु है, हम अगर दुकान पे जो इस तरह की नॉर्मल दुकान होती है 1100 बेच रहा है, उसको बेचने में 1000 में जो है 100 रुपये कमाने में इसकी कुछ मतलब हालत ख़राब हो जाएगी। अगर यही चीज़ को 1500 में बेच के और 200 रुपये छोड़ दे के बेच देगा, 1300 में अच्छे से बिक जाएगा। खाली बस समझ लीजिए, ये हम नहीं जान पाते कि हमारे प्रोडक्ट के दाम कितना है। ये चीज़ें अंकित बोल जिसे मार्क प्राइस भी कहते हैं, आगे हम समझा रहे हैं आपको। और चीज़ें आप यहाँ समझेंगे जैसे, और हमारा डिस्काउंट छूट इसी में जो है होता है, जिस तरीके कि अगर हमको निकालना पड़ता है, जैसे कहने का मतलब कितने छूट आने पे किस तरीके डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट हुआ, कितना आया, तो हमें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य में को जो है इसे घटाने पे उसका जो है छूट निकल जाएगा। इस तरीके है, इसलिए हमने लिख दिया है। आप नोटबुक लिखिएगा और सारी चीज़ जो समझ में नहीं आ, घबराइएगा मत, आगे मैं क्वेश्चन बताता रहूँगा, आपको समझ में आएगा किस तरीके करना, किस तरीके नहीं करना, सारी चीज़ समझ में आएगा। और इसमें जिससे CP हो गया, कास्ट प्राइस और सिंपल प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, ये चीज़ें हैं, सॉरी सिंपल प्राइस सेल्स प्राइस, और ये चीज़ें हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। जिस तरीके अभी लगता है छूट जैसे होता है किसी वस्तु को, मान लीजिए कोई बुक बुक नहीं, बुक में आप तो थोड़ा सा किसी वस्तु को या कपड़े ही, किसी वस्तु को एक दुकानदार 1000 में बेच रहा है, एक दुकानदार 1000 को ला के ये आपको 1100 में बेच रहा है, और नॉर्मली बिना छूट के, मतलब बिना छूट के लिए, मतलब क्रय मूल्य में ला के विक्रय मूल्य में बेच रहा है, कहने का मतलब इसमें जो है 100 रुपये का उसका फ़ायदा जहाँ तक होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आज के इंडिया में जो है, भारत में लोग छूट के ऊपर ज़्यादा मरते हैं, इसलिए ये चीज़ें ये प्राइज़ नहीं लेते, क्योंकि हमारी प्राइज 1000 ही है। इस प्राइज में लेने के लिए कहीं 900 रुपये बोलेंगे और कहीं 950 रुपये बोलेंगे, ये बंदा जो है बिना छूट के नहीं बेच सकता है, क्योंकि ये चीज़ें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है। और सारी चीज़ छूट में बता रहा हूँ जिस तरीके करना है, किसी वस्तु को 1000 में ला के और भारत में मान लीजिए अपने देश में ला के जो है छूट पर 1400 रुपये में, छूट पर नहीं, 1400 रुपये इसका मतलब प्राइस दिया है, अंकित मूल्य दिया है इसमें से, अगर कहने का मतलब 1400 रुपये अंकित मूल्य दिया है और वस्तु वही है 1000 है और 1400 में मतलब उसके अंकित मूल्य है, किसी मॉल और किसी चीज़ में जाते हैं आप कि इसमें जो है वही वस्तु रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन वो बेचने के लिए
यहाँ पे अंकित बुल को अपने जो है प्राइज जो कार्ड होते हैं कार्ड प्राइज कार्ड ऐसे जो भी हो लगा देते हैं 1400 में, और दिखा देंगे कि 200 रुपया छूट या परसेंट को दे दिया, चाहे 200 रुपया छूट, सॉरी 200 रुपया छूट। आप इसी चीज़ को, कहने के मतलब इसी चीज़ को 1200 में खरीद लेते हैं, यही छूट हो गया। अब ये चीज़ें जो है आपका क्रय और विक्रय होगा, इसलिए हम समझाएं इस चीज़ को, क्योंकि आप इसको समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए। और सारी चीज़ें अभी हम आपको बता रहे हैं, और जैसे लाभ निकालना है, अगर लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से करना, हानि निकालना है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से। चीज़ें अभी देखिए, अभी और सारी चीज़ें आगे बताएंगे, बस आप इसे समझते रहिए। आगे आगे सारी चीज़ें हम आपको बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, और सवाल के माध्यम से आप क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी होगा, इसीलिए हम आपको इस तरीके बता रहे हैं, हम क्रेज कर रहे हैं इसको। और ये चीज़ें बहुत ऐसी चीज़ है जो है कि हर जगह आवश्यकता लगेगी, आप समझेंगे कि हमारा लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, जिससे आप कहीं भी आपका नुकसान नहीं होगा। क्वेश्चन लिखिएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा किस तरीके करना है सारी चीज़ें, बस आप क्वेश्चन नोट कीजिए। किसी वस्तु के क्रय मूल्य किसी वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपया है तथा इसका विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य 1000 है, रुपया है, तो दुकानदार को कितने रुपये लाभ हुआ। ये चीज़ें बता रहे हैं आपके जीरो लेवल से, आप जो है इसको घबराइएगा मत, दुकानदार को कितने रुपये लाभ हुआ, कहने का मतलब ऑप्शन लिखिएगा, चीज़ें तो आप लगा लेंगे लेकिन हम बताने के लिए सारी चीज़ें आपको कर रहे हैं, चीज़ें तो आप आराम से लगा लेंगे, करना कुछ नहीं है। जिस तरीके हम बताएं अभी, क्रय मूल्य कितना हमारा 900, विक्रय मूल्य हमारा 1000 है, इसका डिफरेंट निकालेंगे तो 100 सौ रुपया दुकानदार का लाभ होगा। ये चीज़ें आपको जीरो लेवल बताने के चक्कर में, कि मतलब कि आपको जो सारी चीज़ें अभी बेसिक थोड़ा सा बताया हूँ, अभी 4-5 क्वेश्चन में जीरो लेवल चलूँगा, कि चीज़ें आपको समझने के लिए है, क्योंकि कभी कभी सीटेट वगैरह में एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको समझने के लिए। आप बाकी समझिए, एक चीज़ और नोट कीजिएगा, प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि, ये चीज़ें नोट कीजिएगा, प्रतिशत, रुकिए थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते, इसको नोट करते, जितना भी हम सवाल लगाएंगे सब आपसे जो है समझने के लिए, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है, बस थोड़ा सा लेवल, 2-4 क्वेश्चन लेवल गिरा के आपको समझाने के लिए बताते हैं, इसके बाद धुराधार बैटिंग जान ही रहे हैं किस तरीके बैटिंग होती है।
और जितने भी लोग नए होंगे सब पिछला क्लास पढ़िए, और सब हम एक तरफ से जो है आपको बताए हैं किसी वस्तु, एक पुस्तक, एक पुस्तक का क्रय मूल्य मतलब सीपी कास्ट प्राइस मूल्य, क्रय मूल्य, हाँ क्रय मूल्य ₹700 है तथा इसका उसका मूल्य उसका विक्रय मूल्य ₹350 है तो दुकानदार कितने प्रतिशत की हानि होगी? प्रतिशत की होगी, ऑप्शन लिखिएगा, ऑप्शन लिखिएगा 50%, 60%, 35% और 70%। एक चीज आप नोट कीजिएगा, प्रतिशत लाभ प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि ये चीजें आप नोट कीजिएगा और देखिएगा किस तरीके सवाल लगाते हैं हमें। क्रय मूल्य, प्रतिशत, हानि, ये चीजें आप देखिएगा, ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। प्रतिशत लाभ टेट सुपर टेट के लिए ये सारी चीजें आप सूत्र मत समझिएगा, आप लोगों को याद नहीं करना है, हम इतना क्वेश्चन करा देंगे कि आप ये चीजें रट लेंगे और प्रैक्टिस सेट में आप सॉल्व कीजिएगा सारी चीजें, इतना हम क्वेश्चन करा देंगे कि आपको कुछ करना है नहीं। आप इसमें देखिएगा प्रतिशत हानि पूछ रहा है, तो प्रतिशत हानि में प्रतिशत हानि में हानि कितने का हो रहा है? क्रय मूल्य इसका 350, क्रय मूल्य इसका कितना है 700 और प्रतिशत में निकालना है 100। कितना आया 50%। अगर प्रतिशत में पूछे, हानि पूछे इसको लगाएंगे और लाभ पूछेंगे इसे लगाएंगे, इसमें ज्यादा डिफरेंट नहीं है, आप देख रहे होंगे। अगर हानि पूछता तो लाभ लाभ बटे क्रय मूल्य और गुड़े 100, अगर हानि पूछे तो हानि बटे क्रय मूल्य गुड़े 100, इस तरीके लगाना है आप, बस बेहतरीन, उस घबराइए मत, सारी चीजें बहुत ही बेहतर होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा, सारी चीजें बता रहे हैं आपको, इतना हम क्वेश्चन करा देंगे कि आपको रट उठेगा, वैसे नोट कीजिएगा। बेसिक बताने का यही मतलब है कि आपको दो चार क्वेश्चन जो है एकदम जीरो लेवल से पढ़ाते हैं,
एक घड़ी का मूल्य घड़ी का मूल्य मूल्य घड़ी को है, सॉरी, घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है, बीस प्रतिशत की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? ऑप्शन 300, 200, 250, 100। हमने बताया था कि आपको करना क्या है, चीज़ें आप नोट कर लिए होंगे, और चीज़ें आप नोट कर लिए क्योंकि चीज़ें पूछी जाती है, कभी लाभ कभी हानि पूछ लिया है प्रतिशत निकालने के लिए, तो आप इसको नोट कीजिएगा और लगाते लगाते आगे हम प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि अभी जो है बेसिक बता रहे हैं आपको, ये क्लास बेसिक की है, इसके बाद मैट्रिक वाला मिलाऊंगा, जितने प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है सब बताऊंगा, हो सके एक दो क्वेश्चन इसी में बता दें, लेकिन आप इसके साथ साथ नोट करते रहिए। इसको क्या दिया है, एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने 20% की हानि होती है, हम पिछली क्लास को आपको बताए थे, कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति 100% होता है, अगर 20% हानि हो रहा है तो 80% लाभ हो रहा है। कहने का मतलब, अगर 20% हानि हो रहा है तो 80% लाभ हो रहा है। अब इसमें क्या कह रहा है कि घड़ी के क्रय मूल्य, इसमें क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य निकालने के लिए 200 रुपया है, 200 200 रुपया है, 80 गुणे प्रतिशत 100, एकदम बस आप लगाते जाओ, बस 2 दिन 4 10, कहने का मतलब 250 रुपया की हानि होगी, 250 रुपया की हानि होगी, सॉरी हानि नहीं, इसके क्रय मूल्य 200 रुपये में है, बेच कितने रहे हैं जो है, सॉरी, इसकी क्रय मूल्य जो है 250 में बेच कितने रहे हैं 200 में, जिसका 20% की हानि हो रही है, इसी तरीके है, आप लगाते रहिए, ये तो समझ में आ जाएगा कि दो क्लास है, मतलब परसेंटेज की दो तीन क्लास मैंने इस पे लिया है, नगर पे, जनसंख्या पे, इस चीज़ समझ में आपको आ जाएगी, बहुत नहीं है, इसलिए थोड़ा रिलेटिव लेकर आया हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आसानी से आ जाए। नोट कीजिएगा, यदि 8 पेन, ये थोड़ा सा चेंज है, मतलब इसका क्या बोलते हैं टॉपिक है, मतलब कहने के मतलब टाइप सेकंड है जो है, थोड़ा टाइप चेंज करके आता है क्वेश्चन, और यूपीटेट में इस तरीके पूछा गया है, आपने देखा होगा, इसलिए मैंने इस लाया, हो सके यूपीएट के लिए या सुपरटेट में पूछ लिखा है, इसलिए बस सब वही है, आयोग सब वही है, इसलिए यदि 8 पेन पेन का मूल्य 8 पेन का मूल्य सॉरी 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के बराबर है, 6 पेन
के बराबर है। यदि 8 पेन का मूल्य 6 पेन के बराबर, 6 बिक्रे पेन के बराबर है, सॉरी कहाँ ध्यान है हमारा, बिक्रे मूल्य के बराबर है, बराबर है तो, है तो लाभ की प्रतिशत क्या होगी? आप देखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो 2018 टेट में पूछा है, हम आपको बता दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा यूपी टीटी 2018 पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि यदि 8 पेन का मूल्य 8 पेन के क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ की प्रतिशत बताइए। कुछ करना नहीं है इसमें, ऑप्शन लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ 2018 में, तीस परसेंट 40% इस तरह के क्वेश्चन है, हमको कुछ करना नहीं है, प्रतिशत पूछ रहा है तो हमें कुछ नहीं करना। अगर बराबर शब्द, विक्रय बराबर शब्द आ गए, यदि 8 पेन का मूल्य क्रय मूल्य 8 पेन के क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिलाभ की प्रतिशत बताए। इसमें कुछ नहीं, इसका डिफरेंस निकाल देंगे, 2 आएगा, और विक्रय मूल्य नीचे लाएंगे, और प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत में पूरा कर देंगे। बस आपका आंसर आ गया, बस आपका आंसर आ गया, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉरी ऑप्शन जो है, हम दूसरे क्वेश्चन के आगे इसके बाद क्वेश्चन ऑप्शन लिख दिए, 11:30 तभी कह रहे हैं इस तरीके, 13:30 33 40 दो तिहाई 6 इसमें भाग देंगे, 33 सही 1/3 आंसर आएगा, यही सही है प्रतिशत। ये चीज़ें अगर आप देखे होंगे प्रतिशत में, हाँ प्रतिशत में कि एवरेज नहीं, प्रतिशत में पहले क्लास में मैंने बताया है, एक एक चीज खंड करके बताया मैंने, ये चीज़ें नोट भी कराए थे, आप इसमें देख लीजिएगा। जितने भी लोग नए देख रहे हैं सब लोग पिछला क्लास पढ़िएगा, जिससे इसमें हेल्प होगी, क्योंकि हम इस तरीके पढ़ाते हैं, जैसे आप हमें पढ़ाना था साधारण ब्याज आज जो है, लेकिन हम आपको लाभ हानि ले गए, क्योंकि लाभ हानि आप पढ़ेंगे तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सारी चीज़ें सब पढ़ेंगे कि लाभ हो रही हानि हो रही है, इसमें सब है वृद्धि है, और इसके पहले एवरेज भी पढ़ा चुके हैं, ये सब सटीक चल रहा है, इसके पहले LCM पढ़ा चुके हैं और नंबर सिस्टम के सारे बहुत क्लास लिए गए हैं, और एक एक पार्ट्स को मैंने लिया है आप, लेकिन जितने भी लोग रहे सब लोग और सब लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चीज़ को, और सब्सक्राइब करेंगे तब हमें उत्साह मिलती है और नई नई चीज़ ला के आपको पढ़ाने में मज़ा आता है। और अपने मित्र जो है, मित्रों के पास भेजिए, लिंक को जो है भेज दीजिए, इनको भी जो है अगर नहीं मैथ आता होगा अभी पढ़ें जो है, और बताइए उनको पसंद आएगा और भी सब्सक्राइब करेंगे। जब इस तरीके क्वेश्चन आए कुछ करना नहीं आपको, बस अगर पूछ लिया विक्रय मूल्य के बराबर, इसका डिफरेंट निकाल दिए, डिफरेंट निकालने के बाद 2 आ रहा है, इसके बाद इसके विक्रय मूल्य को नीचे लाएंगे, इसके बाद प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत देकर इसके बाद इस तरीके कर देंगे, और इस चीज़ का भाग देंगे, 33 सही 1/3 आएगा। क्वेश्चन लिखेंगे 5 नंबर, 12 वस्तु का मूल्य 10 रुपये, 10 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत, वैसे में हो वो वैसे सवाल है, वस्तुओं बारह वस्तुओं का
मूल्य, क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ की प्रतिशत आई है, लाभ की प्रतिशत बताइए कितना है। अगर आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो मैं बोल के भी बोलता हूँ, आप नोट करते चले जाइएगा। बोलता हूँ, लिख कर बोलता हूँ, जो है आप उसे जो है नोट करते चले जाइएगा और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आइए, तभी समझ में आएगा। अब इतना आसान हम पढ़ा रहे हैं, आप देखे होंगे कि आप हर चीज़ छोटा छोटा पढ़ा रहे हैं। अगर आप मुझसे मैथ नहीं सीखेंगे तो किसी से सीख नहीं पाएंगे, इतना जान लीजिए। मैथ इसी चीज़ है, आपको प्रैक्टिस करना, बाकी जिम्मेदारी हमारी है, किस तरीके पढ़ाना, किस तरीके आपको समझाना, किस तरीके आप समझ जाएंगे ये जिम्मेदारी, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यकता है। इसके साथ साथ इस समझ लीजिए, प्रैक्टिस आप करेंगे, किसी भी प्रैक्टिस उठाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और इसमें जो अगर जो नहीं आता, आप हम बार बार कहते हैं कि आप हमारे पास भेजिए, टेलीग्राम पे पर्सनल पे मैसेज कीजिए और भेजिए, चाहे अगर ग्रुप में नहीं भेजना चाहते हैं तो पर्सनल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको जो है उसका सॉल्व कराएंगे या आपको बताएंगे या अगली क्लास में बता देंगे। ऑप्शन लिखिएगा, हमारा प्रयास है कि आप पूरी तरह समझें। 25% पिछला वाला ऑप्शन इसी में लिख दिए थे, 20%, 30%, 40%, तभी तो गड़बड़ हो गया था, इसलिए कह रहे थे। इसका इसका जिस तरीके हम बताए हैं कि डिफरेंट निकालें, अगर बराबर विक्रय मूल्य के बराबर पूछ लिया तो हम डिफरेंट निकालेंगे। डिफरेंट निकालने के बाद देखिए, 2018 में पिछला वाला क्वेश्चन पूछा था, इसलिए हम एक समझाने के लिए एक और लेकर आए आपको, जो समझ में आ जाए। डिफरेंट निकालने के लिए 2 आएगा, 10 लाएंगे, प्रतिशत पूछा है, इस तरीके करेंगे, इससे गुणा करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 20%। देख रहे हैं कितना आपको बड़ा सवाल लगा, लेकिन हम आप इस तरीके फटाफट लगाएंगे। अभी थोड़ा सा हम आपको एक एक लाइन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, समझ में आएगा, और इंजामाल में तो आप इसी पे जो है निकाल के सीधे से कर दीजिएगा, और कुछ करना नहीं इसमें। क्लास को यहीं समाप्त कर रहे हैं, और टाइप इसके बाद नेक्स्ट टाइप है वो जो है अगली क्लास में बताएंगे, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। और बहुत उत्साह के साथ पढ़िए और पॉजिटिव थिंकिंग समझ पढ़िए, तब समझ में आएगा। और सारी चीज़ें इतना छोटा छोटा समझा रहे हैं कि आपको समझने के लिए मतलब कि क्या करूँ, मैं सोचता हूँ क्या करूँ आपको समझ में आ जाए, बस इतना है। और सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी है, और सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक पहुँचाइए, अगर मैथ इनको नहीं आती है तो अभी मैथ सीखें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जुड़ने का प्रयास कीजिए, परिवार से जुड़िए, और अपने इस चैनल के माध्यम से, आपका भी चैनल है ये, आपका चैनल है, माध्यम से हम चाहते हैं जिनको मैथ नहीं आती मैथ सीखे। और दोस्तों प्रयास से अगला है कि एक क्लास और लेने की मतलब है कि रीजनिंग ले, और ऐसा कुछ है लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और अगर होता है तो लेंगे भी, लेकिन इसके साथ पहले मैथ पढ़िए, मैथ का सिलेबस हमको पूरा करना है, और सोच रहे हैं पूरा हो जाए, इसके बाद कुछ नया आपके लिए और लेकर आएँ, और जिस तरीके टीचिंग माध्यम से लाएँ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाएँ, इसलिए सोच रहे हैं आप पढ़ाए पढ़िए। और दोस्तों इसलिए यहाँ समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।